है या कोई मिसिंग है? बुलाते हैं संजीव भाई को। संजीव भाई आइए। हेलो। तो संजीव भाई के हाथ में है 200 डी, और आपको बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे आपके मन में कि संजीव भाई आज क्या बताने वाले हैं आपको। तो चलिए इन सब चीज़ों को अलग करते हैं और बताते हैं। संजीव भाई आपको बताएंगे कि 200 डी से आपको ब्लॉगिंग कैसे करनी है, बेसिकली सेटअप क्या होगा। तो आपको टेक्निकली बताएंगे कि सेटअप कैसे रखना है, सेटिंग क्या रखनी है। तो चलो यार ब्लॉगिंग सेटअप देख लेते हैं। ये है कैनन 200D, और इसको ब्लॉगिंग के लिए कैसे सेटअप करना वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं नीचे ट्राईपॉड कौन सा है। तो ये है जॉबी का ट्राईपॉड, सॉरी गोरिल्ला पॉड। और आप बोलोगे यार ये है 4,500 का, तो ये वाला क्यों ले, सस्ता वाला क्यों ना ले, है कि नहीं। तो सबसे मेन जो है फ़र्क वो ये है कि इसमें क्विक रिलीज होता है। पहली बात तो यूं करके आप हटा दोगे और यूं ही करके आप लगा दोगे इसको एक सेकंड में। ठीक है, तो ये सिक्योर हो जाएगा थोड़ा। और इसके अलावा इसमें बॉल हेड है जो बहुत ही मतलब यूज़फुल है। ठीक है ना, कहीं भी आप जैसे रख रहे हो तो कहीं बहुत ईजीली। और अगर आप 100 रुपीज़ वाला या 500 रुपीज़ वाला नॉर्मल अगर लोगे तो उसमें ये स्क्रू पे होता है सिर्फ। ठीक है, और इसको निकालना और डालना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर बजट कम है तो इसको भी ले सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम। बट अगर सीरियसली व्लॉगिंग के बारे में सोच रहे हो, 200D में 50,000 रुपये ऑलरेडी खर्च कर चुके हो, तो डेफिनेटली ये ट्राईपॉड, ये गोरिल्ला पॉड आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा इसके ऊपर ये लगा है माइक, ये है रोड का वीडियो माइक। कहो तो छोटा शॉटगन माइक भी ले सकते हो, बोया का शॉटगन माइक आता है। ठीक है, बट हमारे पास ये है तो इसी से हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो ये माइक वाले एरिया में यहाँ पे माइक लगा दो आप। ठीक है, तो इसमें ऑडियो लेवल फिर मैनुअली सेट कर दिया है, ताकि जैसे इस तरह से अगर हम आप शूट कर रहे हैं तो इतने दूरी पे एक कांस्टेंट आवाज़ एक लेवल तक ही रहे, उससे आगे ना जाए। ऑलराइट, और क्योंकि ये 200D है इसको हमने रखा एक्सपोजर है वो रखा है हमने प्रोग्रामिंग मोड पर। फ्लिप आउट स्क्रीन बाहर निकाल लो। ठीक है, और इसको कर लिया हमने ऑन, ऑन कर लिया वीडियो मोड, और अब इसको पूरा 18 पे कर दिया। और इसके बाद ये देखिए, तो ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना ऑन कर दिया है, तो ये आपको दिखा दूंगा मैं उसमें। ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना ऑन कर दिया है, तो ये आपको दिखा दूंगा मैं उसमें कैसा लग रहा है। 1080p 60fps पे शूट कर रहे हैं, ताकि अगर छोटा करना हो तो छोटा भी कर लो, और 60 पे ये फ़ायदा ये हो जाएगा कि स्लो कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये फ़ायदा है बस। तो ये एक सेटअप है यार, मेन तो आपको माइक होना ज़रूरी है। 1080p 60fps पे शूट कर रहे हैं, ताकि अगर छोटा करना हो तो छोटा भी कर लो, और 60 पे ये फ़ायदा ये हो जाएगा कि स्लो कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये फ़ायदा है बस। तो ये एक सेटअप है यार, मेन तो आपको माइक होना ज़रूरी है। और इसमें एक कमाल की बात यह है कि इसमें ऑटो फोकस बहुत अच्छा होता है कैनन के कैमरे में, बहुत प्यार से फोकस। जैसे ऑटो फोकस में इसको कर दूँ अभी, ये देखिए मैं इसको ऑटो फोकस कर दूँगा फटाफट। ये देखिए कितनी जल्दी एक्सपोजर और जो फोकस है वो सेट कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉगिंग के लिए 810 850 जैसा महंगा कैमरा छोड़ के अगर ये ले लिया जाए तो बेहतर रहेगा क्योंकि हल्का भी है, हल्का का हल्का है, और धीरे धीरे बहुत आगे आ गया मैं, धर्म भाई बोल रहे हैं। तो यार इस तरह का सेटअप जो है आपका व्लॉगिंग के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और घर में इंडोर शूट करना है तो साथ में एक LED लाइट ले सकते हो, 2,500-3,000 रुपये की आएगी विद अ स्टैंड, तो वो आप लगा लोगे तो आपका फेस भी लिट रहेगा, है कि नहीं। तो बस ये है यार, इसमें ऐसे वीडियो बनाते रहिए। इसमें एक कमाल की बात यह है कि इसमें ऑटो फोकस बहुत अच्छा होता है कैनन के कैमरा में, बहुत प्यार से फोकस। जैसे ऑटो फोकस में इसको कर दूँ अभी, ये देखिए मैं इसको ऑटो फोकस कर दूंगा फटाफट। ये देखिए कितनी जल्दी एक्सपोजर और जो फोकस है वो सेट कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉगिंग के लिए 810-850 जैसा महंगा कैमरा छोड़ के अगर ये ले लिया जाए तो बेहतर रहेगा क्योंकि हल्का भी है, हल्का का हल्का है, और धीरे धीरे बहुत आगे आ गया मैं, धर्म भाई बोल रहे हैं। तो यार इस तरह का सेटअप जो है आपका व्लॉगिंग के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे कर लो और ऐसे करके बात कर सकते हो आराम से। और इसमें चाहो तो आप 18-55 की जगह यार वो 10-20 अगर लगा लोगे ना फिर मज़ा आ जाएगा, इस लाइक कि यू। ठीक है,
और जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी मुंबई का निखिल या फिर केसी नाइस्टेट की अगर आपने वीडियो देखी होगी ब्लॉगिंग करते हुए, तो जैसे एकदम वाइड है, जब किसी को इम्पॉर्टेंट बात करनी है तो एकदम से क्लोज कर लिया, तो कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट बात करनी है तो ऐसे कर लो और बाकी टाइम जूम रख लो। ओके तो दैट्स इट धर्म भाई, चाहो तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो और ऐसे करके बात कर सकते हो आराम से। कि कभी कभी मुंबई का निखिल या फिर केसी नाइस्टेट की अगर आपने वीडियो देखी होगी ब्लॉगिंग करते हुए, तो जैसे एकदम वाइड है, जब किसी को इम्पॉर्टेंट बात करनी है तो एकदम से क्लोज कर लिया, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बात करनी है तो ऐसे कर लो और बाकी टाइम जूम रख लो। ओके तो दैट्स इट धर्म भाई। संजीव भाई यार मज़ा तो आया कि आपने बताया कि कैसे ब्लॉगिंग सेटअप करना है, और काफी हल्का यार। और हमारे में बहुत लोग हैं जो नए नए ब्लॉगर्स हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं बट थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं चीज़ों को लेके, तो होप्स हो कि लोगों को बहुत क्लैरिटी आई होगी, और अगर कुछ और भी क्वेश्चन होंगे तो लोग पोस्ट कर सकते हैं नीचे। इसके अलावा एक हाउ टू ब्लॉग वाला जो है एपिसोड, वो अलग से बनाएंगे जिसमें ब्लॉग की टेक्निकलिटी के बारे में बात करेंगे, उसकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे, वो अलग एपिसोड में आएगा, और एक एपिसोड और बनाएंगे जिसमें 200D का सिर्फ रिव्यू आएगा। राइट तो 200D से हम 3 एपिसोड बना रहे हैं, इसका रिव्यू और ब्लॉगिंग सेटअप, और सेकंड ब्लॉग कैसे करें, स्टोरी लाइनअप और क्या चीज़ कैसे मिक्स करें। करेक्ट तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए।